संजय जी, अब संजय जी ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टेट्स दिखा रहा था जहां पर बीजेपी के पास स्कोप है, देखिए सही मायनों में सीटें बढ़ानी है तो यहां पर सीटें लानी पड़ेंगी ना। ऊपर जरा ये स्टेट्स देखिए जो मैं सीटें यहां पर दिखा भी रहा हूं, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, फिर पंजाब भी हो गया, आप तो असम में भी 5 सीटों का स्कोप है, यूपी। यहां पर संजय जी वाकई आपको लगता है यहां पर 67 सीटें और बीजेपी ला सकती है और 370 जा सकती है? ऊपर जाने का या बीजेपी के लिए स्कोप है सीटें बढ़ाने का? तो हकीकत में अगर देखें तो सीटें बढ़ सकती हैं, स्कोप ऑलरेडी है तो सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन क्या इतनी सीटें बढ़ जाएंगी कि बीजेपी 60-65 सीटें अपने टैली में ऐड कर ले जो उनकी टैली 2019 की थी? क्योंकि जब तक वो ऐड नहीं होगा तब तक बीजेपी 370 के करीब या 370 के पास जाती हुई दिखाई नहीं पड़ती। मुझे कतई नहीं लगता है कि जितना स्कोप है बीजेपी के सीटों का बढ़ने का वो कहीं भी बीजेपी इतनी सीटें बढ़ा सकती है। जिन राज्यों का आपने जिक्र किया हो सकता है कहीं 2-4 सीटें बढ़ सकती हैं, अगर यूपी का जिक्र करें हो सकता है यूपी में 10-12 सीटें बढ़ जाएं, लेकिन सब जगह पर सारे राज्यों में उनकी बढ़ती हुई सीटों का जमा जोड़ भी कर दें तो भी मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ उस 335-340 का आंकड़ा पार करती हुई किसी भी सूरत में दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत भूल नहीं कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी 340 पर जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी इमेजिनेशन, कहते हैं ना कि घोड़े दौड़ा के भी अगर सोचने की कोशिश करें, सारे घोड़े खोल दें, दिमागी घोड़े, और लगे कि नहीं सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, तो भी बीजेपी 340-42-45 पर जाके अटकी हुई मुझे दिखाई पड़ती है। अब उससे ऊपर तो कहीं जाती हुई दिखाई नहीं पड़ती। अब देखिए संजय जी, आप भी 335-40 जब आपने कहा तो बड़ा सोच समझ के आपका आप खुद वहां रुक गए, और हम भी अब दरअसल क्या करें, 5-7 साल में बल्कि 2 चुनाव देख लीजिए बीजेपी ने ऐसा चौंकाया है। मानक जी ऐसा चौंका, मैं वही बता रहा हूँ, मानक सहमत हूँ आपसे, कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ता है कि पता नहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि हुआ है कितनी बार गलत हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो भी बीजेपी वहां जा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा है बीजेपी अपनी सारी सीटें रिटेन करेगी, जहां जहां वो सारी सीटें जीती हैं और जहां जहां उनके बढ़ने की गुंजाइश है वो सारे जगहों पे बढ़ेंगी। हाँ। कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां उनके नीचे जाने की गुंजाइश है, कर्नाटक है, नीचे जाएंगे, 25 सीटें उन्होंने जीती थी और 25 सीटें पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो नीचे जाने की पूरी गुंजाइश है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सीटें नीचे जाने की पूरी गुंजाइश है, कुछ सीटें हैं, कुछ राज्य हैं जहां बढ़ेगा। कुल मिला के मुझे लगता है कि मोर और लेस मैं, हमने कोई सर्वे तो नहीं किया है, लेकिन यशवंत जी की बात से काफी हद तक मैं सहमत हूं। इस वक्त मुझे वही लगता है बीजेपी 219 में जो उनके आंकड़े थे उसी के आसपास है। जब मैं आसपास कहता हूं, 2 सीटें नीचे हो सकती हैं, 10 सीटें ऊपर भी हो सकती हैं। लगभग इस वक्त अगर कहें आपको कि अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, मुझे लग रहा है वही 310-312 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। ओके।